भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर आपको दिख रहे हैं, वापस मुंबई आ चुके हैं। और आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के साथ जो टेस्ट सीरीज है उसके कप्तान बनाए गए हैं रोहित शर्मा। वहां जाएंगे अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, गोद में उनकी बेटी, अब उसे वो गाड़ी में बिठा रहे हैं। और उनकी प्यारी बेटी, उधर उनकी पत्नी रितिका सचदेह भी उनके साथ हैं। और यहाँ पर आपको भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो है वो देख रहे हैं। और अभी भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर जाना है और वहाँ पर वाइट बॉल क्रिकेट में तो नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, लेकिन जो रेड बॉल क्रिकेट है, टेस्ट मैचेस है, उसमें खेलेंगे। और अभी ज़रूरी निर्देश दे रहे हैं कि लगेज को किस तरह से रखा जाए और उन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। इस बीच फैंस ने जो है वो उनके आसपास आ गए हैं, फैंस और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रोहित ऐसे हैं, किसी को मना नहीं करते, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं। और आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जो है वापस मुंबई लौट आए हैं और साथ में उनकी पत्नी रितिका सचदेह, बेटी को गोद में उन्होंने उठाया हुआ है। और फिर जो है आपको अब इसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी टेस्ट सीरीज़ के लिए। विश्व कप फाइनल की हार जो है उससे बहुत निराश हुए थे रोहित शर्मा, और आपको याद होगा कि कितने आँखों में आंसू लिए, बोझिल कदमों से वो पवेलियन की सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनल के बाद देखे गए थे और बहुत ही निराश दिख रहे थे उस वक्त। उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया, वेल डिजर्विंग ब्रेक है उनके लिए, वो उन्हें लेना भी चाहिए और वो ज़रूरी था। और इसके बाद अब जबकि भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो और अभी T20 का विश्व कप भी जून के महीने में खेला जाएगा, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा जो है वो T20 टीम में शामिल होंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने अभी वाइट बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले रखा है और उनका सारा कंसंट्रेशन जो है वो रेड बॉल क्रिकेट पर है। और वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इसके बाद जो अब शुरू हो चुका है और उसमें वो खेलें और भारतीय टीम को एक बार फिर WTC के फाइनल तक लेकर जाए, तो इसलिए उन्होंने टेस्ट मैचेस में खेलने का चयन किया है। 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम जो है पहला टेस्ट मैच खेलेगी, बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा ये, और उसमें जो है रोहित शर्मा आपको खेलते हुए दिखेंगे। फिलहाल रोहित शर्मा मुंबई वापस आ चुके हैं और अब उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए उनकी तैयारी शुरू होगी। हम रोहित शर्मा को जो फ्यूचर में क्रिकेट खेलनी है उन्हें, उन सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनका प्रदर्शन अब तक रहा है उसी तरह का प्रदर्शन वो करते रहेंगे और भारतीय टीम को जीत दिलाते रहेंगे। रोहित शर्मा को ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपके लिए सूचना ये कि रोहित शर्मा मुंबई जो है वो वापस आ चुके हैं और आप अभी देख रहे हैं कि पूरी फैमिली के साथ वो वापस लौट आए हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।